हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर चुके थे। इसके सभी प्रश्नों को देखने के बाद हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स इसको देखेंगे। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी ट्रायंगल के साइड के रेशियो के टर्म में देखे थे। अब हम लोग देखेंगे इनका एंगल्स के रूप में क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस अपान परपेंडिकुलर करके साइन थॉट, साइन टेन कॉस, इन सब की वैल्यू निकालते थे। अब हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपके बुक में देखिए एक टेबल दिया है यहाँ पर एंगल्स के बारे में। ये पेज नंबर 185 पर टेबल 8.1 है, इसको याद करना पड़ता है। इसकी वैल्यू आई कहाँ से है, हम लोग पहले टेबल पढ़ेंगे, इसके बाद इस वैल्यू को फिर से ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे कि इसकी वैल्यू आई कहाँ से है। ठीक है, तो इस टेबल को समझना आसान है, याद करना आसान है, बनाना भी आसान है। आप एक बार इसको देख लीजिए कैसे बनता है, किस तरह वैल्यू इसको चेंज करके हम लोग सभी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है सब वैल्यू को बहुत आराम से याद कर लेंगे और इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टेबल्स को बनाना सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज पर चलेंगे। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग का टॉपिक है, शुरू करते हैं। टॉपिक हम लोगों का टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। दोस्तों यहाँ पर सभी एंगल्स के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। देखिए लिखा ना सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो उन्हीं के बारे में देखना है। हम लोग पहले टेबल को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये आया कहाँ से है, इसकी वैल्यू का ओरिजिन क्या है, कैसे ड्राइव करके इसको हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तब बहुत आराम से आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप टेबल कैसे बनाएंगे, उसको बनाना भी बहुत आसान तरीका है। आप करिए क्या कि इस तरह से एक लाइन खींचिए। ठीक है, ये थीटा लिख दीजिए या एंगल लिख दीजिए, थीटा मैं लिख देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ इन्हीं 6 एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सभी रेशियो को लिख देंगे। आप ऐसा करिए, एक लाइन को छोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, उसके पीछे का रीजन है अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर हो गया हम लोगों का साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर हो गया टेन थीटा। आपने इस तरह से पूरा कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर 0 के नीचे 0 लिखिए, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे आपको 2 लिखना है, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे आप 4 लिख दीजिए।
ठीक है, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपने लिखा अभी भी सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक ये ट्रिक है निकालने का, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत आराम से अगर कोई वैल्यू भूल जाए तो तुरंत टेबल बना के याद कर लीजिए, और वैसे भी ये मेमोराइज़ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप छोटे से पेपर पर भी इसको बना के हमेशा याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका रूट कर दीजिए सबका, टोटल का होल रूट आप फाइंड आउट कर लीजिए। 0/4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0/4, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू 0 होगी, है कि नहीं। तो यही साइन थीटा की वैल्यू भी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4 है, उसका अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2, फाइंड आउट करेंगे तो 1/2। यही साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू है, आप 1 का रूट करेंगे 1 आएगा, अंडर रूट 4, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से देखिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2, तो 1 का रूट 1 होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो साइन 45 वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ये √3 आपको पता ही है कि इसका परफेक्ट रूट होता नहीं है, डिवाइडेड बाई 4 का रूट करेंगे 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये आ जाएगा 1। ये दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू आपको आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। इस वैल्यू की खास बात है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 0, फिर हाफ, फिर 1/√2, √3/2, फिर 1। अब फिर वैल्यू का आप ठीक चेंज कर दीजिए, 1 इधर है, इधर कर दीजिए, ये √3/2 को आप यहाँ लिख दीजिए, ये बीच में है, ये वही रहेगा, आपका ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0। याद करने का तरीका है ये कॉस की वैल्यू आ गई। आप देखिएगा साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो 90 के सम पर एक ही होती है, जैसे 30 डिग्री पर देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 30 + 60 90 होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ रखा है कि टैन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, टैन थीटा इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सब डिवाइड कर देंगे, साइन 0 की वैल्यू आपने 0 पढ़ा है और कॉस 0 की वैल्यू 1 पढ़ा है, तो 0/1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 0। तो इसी तरह डिवाइड करके टैन की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, टैन 0 की वैल्यू 0। अब ये डिवाइड करिए सीधा सीधा, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, टैन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, दोनों इक्वल है, डिवाइड करेंगे जाहिर वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल √3, अब हो जाएगा ये 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, अनडिफाइन, इसको ऐसे भी लिखते हैं आप, इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए 0/1 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन 1/0 की वैल्यू अगर 0 कहाँ हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसकी वैल्यू आप हमेशा इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू आ गई, तो इन सब का आप रेसिप्रोकल करके अदर रेशियो की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है, ये कॉट थीटा होता है,
तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो बाई वन कंसीडर हम लोग करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया वन अपॉन ज़ीरो। आपने अभी भी पढ़ा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है कि नहीं। ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो बाई वन। कंसीडर कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके नीचे वन है। रेसिप्रोकल करने का मतलब हो गया कि वन बाई ज़ीरो, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो टैन ज़ीरो की वैल्यू होता है वन अपॉन ज़ीरो यानी इनफाइनाइट। अब वन अपॉन रूट थ्री को आप इन्वर्स लिखेंगे, उसका उल्टा लिखेंगे, रूट थ्री हो जाएगा। वन का वन ही होता है, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। इनफाइनाइट है, इसका वैल्यू उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका, सॉरी ज़ीरो आ जाएगा। सो ज़ीरो आ जाएगा। तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी ठीक इन्वर्स करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉट हो गया। अब हम लोग सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन है, तो वन का ठीक उल्टा करेंगे तो वन आएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना है? रूट थ्री बाई टू। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन रूट थ्री। कॉस 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी रूट टू। कॉस 60 की वैल्यू है वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू। कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन बाई ज़ीरो यानी नॉट डिफाइन। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लास्ट सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा है क्या होता है? नॉट डिफाइन या अनडिफाइन, जो भी आप लिख लीजिए, इनफाइनाइट कुछ भी आप कह सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू होती है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। साइन 45 वन अपॉन रूट टू, तो इसकी वैल्यू रूट टू हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, इसकी वैल्यू 2 अपॉन रूट थ्री हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों टेबल आपका प्रिपेयर हो जाता है। इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक पेपर पे लिख के दो तीन बार इसको पढ़ लीजिए, सब आपका तैयार हो जाएगा और बहुत आराम से नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले देखेंगे कि ये सब एंगल्स आए कहाँ से हैं, तो इनका डेरिवेशन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।